भिन्न भाग तीन। इस वीडियो में असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाओ। टीचर्स, पिछले वीडियो में हमने असमान हर वाले भिन्नों की तुलना करने की विधि देखी थी। अब इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ घटाओ देखेंगे। यह तो आप जानते हैं कि भिन्नों की संक्रियाओं को करने के लिए बच्चों को असमान हरों को समान हर में बदलना आना चाहिए। जब बच्चे ये अच्छी तरह से सीख जाएं, तभी उन्हें भिन्नों का जोड़ और घटाओ करना सिखाएं। तो चलिए पहले दैनिक जीवन के उदाहरणों से समान हर वाले भिन्नों का जोड़ घटाओ देख लेते हैं। रूपा ने स्कूल से आते हुए एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा और उसके चार भाग किए। उसमें से एक चौथाई भाग उसने अपने छोटे भाई को दिया और एक चौथाई भाग अपनी छोटी बहन को दे दिया और एक चौथाई भाग खुद खा लिया। तो तीनों बच्चों ने पैकेट का कुल कितना भाग खाया? 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना हुआ? इन तीनों भिन्नों के हर समान हैं, इसलिए हमें केवल इनके अंश जोड़ने हैं और हर को वैसे का वैसे लिख देना है। तो तीनों बच्चों ने बिस्कुट के पैकेट का 3/4 भाग खा लिया। अब 3/4 भाग खा लिया तो कितना भाग बचा? कुल बिस्कुट हुए 4/4। याद है ना, रूपा ने बिस्कुट के पैकेट को चार भागों में बांटा था, उसमें से 3/4 खाया गया, तो बचा 4/4 - 3/4 = 1/4। यहाँ भी हर समान है तो हम केवल अंश को घटाएंगे और हर को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है? यानी पूरे पैकेट बिस्किट में से रूपा के पास अभी 1/4 भाग बिस्किट बचा हुआ है। यह तो समझ में आ गया, पर यहाँ देखिए क्या हो रहा है। मन्नू ने अपनी बाल्टी में नल से 2/3 भाग पानी भरा और नन्नू ने अपनी बाल्टी में 1/2 भाग पानी भरा, तो दोनों ने कुल कितना पानी भरा? 2/3 + 1/2। अरे यहाँ तो ना अंश समान है ना हर समान है, तो क्या करें? 2/3 + 1/2 में हमें अपना काम आसान करने के लिए इन दोनों भिन्नों के हर समान करने होंगे, है ना? यह काम हम इन दोनों भिन्नों के ऐसे समतुल्य भिन्न बनाकर कर सकते हैं जिससे इन दोनों भिन्नों के समान हर मिल जाएं। पर उससे भी आसान तरीका है दोनों भिन्नों के हरों का लघुतम समापवर्त्य या लस निकाल कर करना। तो 3 और 2 का लस निकालना होगा। 3 के अपवर्त्य हो गए 3, 6, 9, 12 और 2 के अपवर्त्य हो गए 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या हुआ दोनों का सबसे छोटा या लघुतम समापवर्त्य? 6 हुआ ना। इसे हम इस प्रकार से भाग वाली विधि से भी कर सकते हैं। पहले दोनों संख्याएं जिनका ल स निकालना है उन्हें कॉमा लगाकर लिखा, फिर इस तरह से लाइन बनाकर भाग करते गए। 3 और 2 को पहले 2 से भाग करके देखते हैं। 3 को तो 2 पूरा पूरा भाग नहीं कर सकता, तो 3 को वैसे ही उतार देंगे और 2 को 2 से भाग किया तो मिला 1। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो मिला 1। इसलिए 2 और 3 का ल स हुआ 2×3 = 6, ठीक है ना? अब इस 6 को भिन्न रेखा बनाकर उसके नीचे लिख दिया इस प्रकार से। अब दोनों भिन्न जिनका जोड़ करना है उनके हर देखिए। 2/3 में 3 को कितने से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा? 3×6 है ना। तो बस भिन्न की ऊपर वाली संख्या को उतने से ही गुणा कर दीजिए। अब दूसरा भिन्न देखिए।
एक बटे दो में दो को कितने से गुणा करेंगे तो छः मिलेगा? हाँ, दो तिया छः होता है ना। हम दूसरे भिन्न के अंश को भी तीन से गुणा कर देंगे, बस हो गया एक गुणा तीन। ठीक, तो हमें मिल गया दो गुणा दो प्लस एक गुणा तीन बटे छः बराबर चार प्लस तीन बटे छः बराबर सात बटे छः। ठीक है। अच्छा बताइए, हमने इन भिन्नों का ल स क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना या घटाना या उनकी तुलना करना आसान होता है। इसी प्रकार हम दो असमान हरों वाले भिन्नों को घटा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी विधि से। एक प्रश्न लेते हैं, 8/10 में से 3/5 को घटाओ। तो 8/10 माइनस 3/5। पहले हरों का ल स निकालेंगे। 10 और 5 को लिखा और किससे भाग किया? कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सकती है? 5 है ना। तो 10 भाग 5 हो गया 2 और 5 भाग 5 हो गया 1। अब हमने 2 से भाग किया, 2 भाग 2 हो गया 1, तो ल स हुआ 2 गुणा 5 यानी 10। यह हमने 10 को लिख दिया भिन्न रेखा के नीचे, क्योंकि अब यह ही हमारे भिन्नों का समान हर है। अब भिन्नों के हर देखते हैं। पहले 8/10, इसके हर 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर 8 को भी 1 से गुणा करेंगे, हो गया 8 × 1। अब दूसरा भिन्न है 3/5, इसके हर 5 को 2 से गुणा करेंगे तभी हमें अपना ल स 10 मिलेगा ना। हर को जिस संख्या से गुणा किया उसके अंश को भी करना होगा। ठीक है, हो गया 3 × 2, तो हमें मिला 8 × 1 माइनस 3 × 2 बटे 10 बराबर 8 − 6/10 बराबर 2/10, जो सरल करके हो गया 1/5। अब एक इबारती प्रश्न से समझते हैं। अंजना रोज सुबह 2/5 किलोमीटर दौड़ती है और अनिल 1/3 किलोमीटर। तो बताओ अंजना अनिल से कितना अधिक दौड़ती है? तो इसका हल होगा, अंजना दौड़ती है 2/5 किलोमीटर, अनिल दौड़ता है 1/3 किलोमीटर। अंजना अनिल से अधिक दौड़ती है 2/5 माइनस 1/3। हरों का ल स हुआ 15। जब दोनों हरों का कोई सांझा अपवर्तक ना हो तो उन्हें आपस में गुणा करके ल स निकाला जा सकता है ना। तो 5 × 3 = 15। भिन्न रेखा के नीचे लिख लीजिए 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है? 5 दिए 15 ना, तो हमें 2 को भी 3 से गुणा करना होगा। और 3 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है? 3 × 5 = 15, तो हमें 1 को भी 5 से गुणा करना होगा। तो 2 × 3 माइनस 1 × 5 बटे 15 बराबर 6 − 5/15 या 1/15। यानी अंजना अनिल से 1/15 किलोमीटर अधिक दौड़ती है। समझ में आया ना? आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।